हेलो दोस्तों, मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू एंड एंजॉय द वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम शो, आदाबर्स है आप सब लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। मैं हूं आप सबकी ममता सचदेव, आप सबके साथ एक बार फिर से। और गाइज, आज की जो वीडियो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर दोज हु आर न्यू टू द चैनल। जो लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर, उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम ममता सचदेवा है। मैं एयरलाइन बिजनेस में काफी सालों से हूँ और बहुत ज्यादा घूमती फिरती हूँ, बहुत सारे दुनिया के एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करती हूँ। और कोशिश ये रहती है कि इस चैनल के जरिए आप सबसे जुड़ा जाए और कुछ एक ऐसी पॉजिटिव बातें, कुछ एक ऐसी अच्छी बातें हम आपस में शेयर करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले या आप लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए आपके कमेंट्स के द्वारा या आपकी जो भी फीडबैक होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आप इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आधी बात का मतलब कुछ और निकल आता है। तो हमें पूरी बात को पहले समझना है अच्छे से, इसके बाद अपना जो लाइफ का निचोड़ है वो निकालना है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये करियर प्रोग्रेशन आपके लिए अच्छा है, प्रोफेशन अच्छा है या नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ही इंटेंस बात हम करने वाले हैं आज, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद मेरी बातों के ऊपर अपनी जिंदगी या अपना जो करियर है वो निर्भर करने वाले होंगे। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो कि मैं आपको पूरी डिटेल और अच्छे से दूं, कोई भी ऐसी बात ना कहूं जिससे आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले, ये मेरा आप सबसे वादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सब में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम एयरलाइन जो है या कैबिन क्रू जॉब है, एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर स्टूअर्ड, एयर स्टूअर्डेस, जो भी बोला जाता है, ये सबका मतलब एक होता है गाइज, लेट मी टेल यू दैट। और क्या लड़कों के लिए ये एक प्रोफेशन अच्छा प्रोफेशन है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन की जो ग्लैमर लाइफ है उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, घूमने फिरने को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस प्लस टू कर ली है, मुझे अभी एयरलाइन में जाना है, क्योंकि एयरलाइंस में, डोमेस्टिक एयरलाइंस में जाने के लिए प्लस टू जो है बिना किसी एक्सपीरियंस के आराम से आपको ले लिया जाता है, उसके लिए कोई हाई एजुकेशन या कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से बहुत सारे लोग पढ़ाई का पीछा छोड़ने के लिए, कह दीजिए, या सिंपल या इजी लाइफ को नजर में रखते हुए कैबिन क्रू बनना पसंद करते हैं, खास करके कई लड़के जिनकी सोच इस तरह की होती है। मैं सबकी बात यहां नहीं कर रही हूं। तो क्या ये एक अच्छा डिसीजन है आप सबके लिए, आज इस बात का आंसर मुझे आपको देना है। तो मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देने वाली हूं जिससे कि आपको प्रूव हो जाएगा कि ये एक अच्छा प्रोफेशन आपके लिए साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है। Now I'm gonna take you back to our Indian culture. हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ब्रेड एंड बटर एक आदमी घर में खरीद के लाता है और औरत घर को संभालती है। ये हमारा एक कल्चर चलता आया है, जो अभी तक हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इस कल्चर को फॉलो करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूं आपसे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो फिर भी जॉब छोड़ के घर बैठ सकती है, उसके पास ऑप्शन है, उसको हमारी सोसाइटी कोई बुरा नहीं मानती अगर एक औरत अपनी जॉब छोड़ के घर बैठ जाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर एक लड़का नौकरी छोड़ के घर बैठता है या उसकी नौकरी चली जाती है, उसके पास आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, तो वो एक लड़के के करियर के लिए, एक लड़के की जिंदगी के लिए, एक लड़के की सामाजिक इज्जत के तौर के ऊपर बहुत ही बुरा धब्बा है और बहुत ही बुरा इसको माना जाता है अगर कोई आदमी अपनी नौकरी छोड़ के घर पे बैठा हो। तो ये दो पहलू आप अपने दिमाग में पहले रख के चलिए कि लड़के की जॉब जो है लड़की की जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे समाज को, हमारी नजर में रखते हुए। लेकिन गाइज, ये मत सोचिए कि मैं लड़कियों को या लड़कों को कंपेयर कर रही हूं, मैं सिर्फ आपको आज के जीवन की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही हूं। तो इस केस में अगर आप सिर्फ प्लस टू करके आप डोमेस्टिक एयरलाइन में मान लीजिए चले जाते हैं, आपने जॉब करना शुरू कर दिया, आप कैबिन क्रू बन गए, कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप लीड बन जाएंगे, जिसको हम सुपरवाइजर रोल कह देते हैं, कि आप कैबिन क्रू को मैनेज करना शुरू कर दोगे, फ्लाइट को मैनेज करना शुरू कर दोगे, आपकी ड्यूटीज थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, लेकिन आप फ्लाइंग ही करेंगे, फ्लाइट्स ही करेंगे। अगर आपने इसके साथ कोई और डिग्री, कोई और डिप्लोमा या कोई और पढ़ाई साथ में जारी नहीं रखी, तो जो एजुकेशन आपकी है वो सिर्फ 12वीं तक ही रहेगी, प्लस आपके पास ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ आजकल क्या होता है, एजुकेशन भी मैटर करती है। अगर मान लीजिए कोई कैबिन क्रू है लेकिन उसने एमबीए कर रखा था, तो उसके
एयरपोर्ट में ऑफिस जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी ने कोई और एचआर में पढ़ाई कर रखी होती है और वो कैबिन क्रू है तो भी उसके ऑप्शंस, अगर उसको फ्लाइंग नहीं करनी है आने वाले टाइम में या फ्लाइट से उसको जवाब दे दिया जाता है किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से किसी आदमी को, तो वो डेफिनेटली कोई और ऑप्शन आगे एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्लस टू हैं, हाई स्कूल आपने किया है और आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, तो आप ये अपने दिमाग में रख के चलिए आने वाले टाइम में अगर आप कैबिन क्रू जॉब के बाद किसी ऑफिस जॉब में अपने आप को सेट करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस हाई पोजीशन के ऊपर मांगती है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो बड़े बड़े लेवल के डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई लिखाई, कहीं ना कहीं उनका जो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है या और डिपार्टमेंट्स में उनकी नॉलेज होती है, वो डेफिनेटली काम आती है। तो अगर आप एक लड़के हैं, आपने कैबिन क्रू बनना है, उसमें कोई हार्म नहीं है, आपके लिए जॉब अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही ये आपके लिए बुरा करियर है, लेकिन मेरी एक सजेशन आप मानिए कि आप कैबिन क्रू ज्वाइन करने के बाद भी चाहे ग्रेजुएशन कीजिए, चाहे एमबीए कीजिए, चाहे पीएचडी कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, जो भी चीज, जो भी वक्त आपको सूट करेगा आपकी फ्लाइट्स के बाद, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपका मन भर जाता है फ्लाइट्स कर करके, या आप शारीरिक रूप से इतने मजबूत कभी कभी नहीं रहते, या फ्लाइट्स में मान लीजिए आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको फ्लाइंग छोड़नी ही पड़ती है, फ्लाइट्स करना आपको छोड़ना ही पड़ता है, तो आप अपने आप को किसी ऑफिस जॉब के लिए, किसी परफॉर्मेंस मैनेजर की जॉब के लिए, किसी एयरपोर्ट में किसी अच्छी जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बशर्ते कोई ना कोई एजुकेशन उसके रिलेटेड हो। नहीं तो क्या है, फ्लाइंग क्रू मैक्सिमम कस्टमर सर्विस जॉब में या किसी भी ऐसी जॉब में जाएंगे जहां आपका पैकेज फिर आपको चुभेगा कि आपको अच्छा पैकेज ऑफर नहीं हो रहा है, क्योंकि नेचुरली किसी भी डिपार्टमेंट में जब आपको लिया जाएगा तो देखा जाएगा कि आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में कितनी नॉलेज है, क्या आपने उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रखी है या उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपने कोई एक्सपीरियंस गेन कर रखा है। उसी के बेसिस के ऊपर आपको आगे जो है ग्रोथ मिलती है। और आप भी जानते हैं कि हमारे देशों में कितना एक्सपीरियंस मतलब लोगों के पास है, कितनी पढ़ाई लोग आजकल कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कंपटीशन आने वाले टाइम में आपका और भी टफ होने वाला है, इसको कम मत समझिए। अगर आपने सोचा कि आपको आज कैबिन क्रू जॉब मिल गई है, आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, आपके पास अच्छा पैसा है, लेकिन हमेशा एक बैकअप प्लान लेके चलना भी एक अच्छी बात है, खास करके लड़कों के लिए, क्योंकि घर में अगेन हमारे सामाजिक, जो हमारा समाज है, जो हमारा एक कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग एक आदमी ही घर में रोटी लाता है, एक औरत घर को चलाती है। मैं ये नहीं कह रही कि औरतों को सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जाना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, पर ये एक हमारे एक समाज का एक स्तर है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि एक लड़की की नौकरी जाएगी वो फिर भी घर पे अगर बैठ जाएगी तो वो एक अलग बात गिनी जाती है, वो बच्चों को पालेगी, वो घर को संभालेगी, लेकिन एक आदमी का काम करना, उसके पास नौकरी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो मेरा आंसर आपको है कि यस, आप जरूर जाइए, ये नौकरी बहुत अच्छी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पैकेज भी अच्छा मिलेगा विद द अमाउंट ऑफ एजुकेशन जो आपको, आप ले रहे हो जितनी एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। जहां पे आप रहते हैं इंडिया में वहां के अकॉर्डिंग सैलरी बुरी नहीं है, वहां के खर्चों के हिसाब से, वहां के लाइफस्टाइल के हिसाब से, लेकिन पढ़ाई जारी रखना जरूरी है ताकि आगे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बढ़े, वो घटे नहीं, और एजुकेशन डज मैटर। तो पढ़ाई मत छोड़िए, इस जॉब में आइए, साथ साथ में साइड बाय साइड जो भी आप प्राइवेट कोर्सेज या कोई पढ़ाई कर सकते हैं आपको वो डेफिनेटली करनी चाहिए। सॉरी, मेरा बीच में कॉल आ रहा था, आई वॉज जस्ट डिसकनेक्टिंग द कॉल। तो ये एक बात है जो बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्लीज ये सारे जो पॉइंट जो मैंने आपको दिए हैं उनको अपने माइंड में रखिए। और एक और बात का जवाब जाते जाते मैं देती जाती हूं, यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आपके लिए, लेकिन बस इस चीज को मत भूलिए कि आप में कितना टैलेंट है, आपके पास कितनी पढ़ाई है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। ये तीन चीजों ने आपकी लाइफ को आने वाले टाइम में सेट करना है कैबिन क्रू जॉब के बाद, कि आप किस डिपार्टमेंट में, किस जगह पे, किस पोजीशन में आप पहुंच सकते हैं, किस पोजीशन में आप कितना कमा सकते हैं, वो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस, आपके बैकग्राउंड, आपका जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की वीडियो ने आपको भी कुछ सीखने को आज दिया होगा थोड़ा बहुत। अगर आपको कोई चीज पसंद आई हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है आपकी लाइक्स को देखकर। और कोई भी सुजेशन है फील फ्री टू राइट,
हम सब इंसान है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। ना मैं परफेक्ट हूँ, ना मैं अपने आप को परफेक्ट गिनती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, बहुत सारी गलतियां करती हूँ, बहुत सारी चीजें सही ढंग से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताती हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी ये वीडियो एंड हो रही है, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। किसी के वीडियो काम आ सकती है, भलाई का काम है, प्लीज डू सो। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है प्लीज उसको कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।